हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट वीडियो में ईथर के रासायनिक गुण पढ़े थे, जिसमें हमने दो तरह की अभिक्रिया कंप्लीट करनी थी। आज आपकी लास्ट है, तीसरी अभिक्रिया, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर या ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ईथर की रासायनिक अभिक्रिया होगा, फिर ये फिनिश हो जाएंगे। तो देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लोन पेयर पर जो जैसे आपके आर ओ आर है, इधर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, है ना, तो इनके कारण कौन कौन सी रिएक्शन होंगी वो पढ़ेंगे। तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होंगी, ठीक है, कौन सी, दो तरह से बांट के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले दो दो रिएक्शन में बांट के पढ़ा था, इसमें भी पहली तो पढ़ेंगे परोक्साइड का निर्माण, परोक्साइड का निर्माण मतलब कि लोन पेयर के कारण रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, परोक्साइड, क्या बनेगा, परोक्साइड। ईथर की अभिक्रिया लोन पेयर के कारण होगी और क्या बनेगा, परोक्साइड। तो किससे होगी, किससे होगी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, ठीक है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। ईथर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, परोक्साइड बनाता है। ईथर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, या ऑक्सीकृत तो होकर भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया करके परोक्साइड बनाते हैं, परोक्साइड बनाते हैं। कैसे बनेगी, देखो कोई एक ईथर ले लो, जैसे CH3CH2CH3। चूंकि लोन पेयर के कारण रिएक्शन पड़ रहे हैं, तो लोन पेयर आपको शो करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन पर टोटल कितने लोन पेयर होते हैं, देखो ऑक्सीजन आता है आपको आठ नंबर पर, कितने नंबर पर, आठ। पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, भाई हम कितने बचे, छह, यानी कि ऑक्सीजन पर ऐसे छह लोन पेयर होंगे। तो छह में से देखो चार लोन पेयर तो हमने शो कर रखे हैं, चार बच्चे, दो लोन पेयर ने क्या कर लिया, बंद बना लिया, ठीक है। तो कितने लोन पेयर रहे, चार। अब क्या करना है, ये आपकी हो गई डाई एथिल ईथर, क्या है ये आपकी डाई एथिल ईथर, ठीक है, ये आपकी क्या है, डाई एथिल ईथर। अब इसकी रिएक्शन करवानी है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, चाहो तो ऐसे ऑक्सीजन ले लो या फिर हाफ ओ टू ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हाफ ओ टू, ठीक है, रिएक्शन करवा दो। तो देखो होता क्या है इसमें, हाफ ओ टू का मतलब टू से टू कैंसिल, एक ऑक्सीजन ही तो बची है ना। ये ऑक्सीजन जो अभिक्रिया करती है ना, वो यहां आती है, भाई ऑक्सीजन में छह लोन पेयर होते हैं, तो छह लोन पेयर इसमें भी होंगे, ठीक है। और जो इनके दो लोन पेयर है ना, ये दोनों लोन पेयर ये अपने, सॉरी एक लोन पेयर ये अपना यहां विस्थापित कर देती है, ठीक है। परोक्साइड कैसे बनता है, ऑक्सीजन के पास अपने पास यहाँ दो लोन पेयर होते हैं ना, उपसह संयोजन बंद बनेगा। उपसह संयोजन बंद कब बनता है, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर चले जाएं। अधिकांश हमने बंद बनाते टाइम एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हुए देखा है ना, यदि अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही साझा करेगी, दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देगी, तो उपसह संयोजन बंद बनेगा। तो क्या बनता है, उपसह संयोजन बंद। देखो क्या होगा, यहां तो आपके पास में एक ही यही रहेगा, CH3CH2O CH2CH3। ऑक्सीजन पर नीचे के लोन पेयर तो ऐसे कैसे रहेंगे, ऊपर जो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये किसको दे देगी, जो आने वाली ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आ रही है ना यहाँ पर, इसको दे देगी। और इस ऑक्सीजन पर भी अगर आप शो करना चाहो लोन पेयर, तो शो कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, यहां से इसने अपने दोनों लोन पेयर, सॉरी एक दोनों इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर क्या कर दिया, इधर विस्थापित कर रही है, मतलब कि उपसह संयोजन यौगिक से हम इसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के दो लोन पेयरों ने ये उपसह संयोजन बंद बना लिया, दो लोन पेयर ने क्या बनाया, उपसह संयोजन बंद। तो देखो ये आपका आर एल्किल ग्रुप, ओ ओ आर, आर ओ ओ आर जैसी संरचना है ना, आर ओ ओ आर बन गया परोक्साइड, क्या बोलेंगे, ईथर परोक्साइड, ईथर परोक्साइड। आप यहां लिख सकते हैं
ईथर परोक्साइड बनाते करके ईथर परोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ईथर परोक्साइड लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, बस यही लिखना है। फिर इसी में एक नोट और लगा लो। नोट क्या याद रखना है कि यदि ईथर को बहुत अधिक समय तक ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाए, यानी कि खुले में छोड़ दिया जाए, लंबे समय तक अगर आप इसको खुले में छोड़ोगे तो फिर ईथर परोक्साइड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रो परोक्साइड बनाता है। और हाइड्रो परोक्साइड क्या होता है, आपका विस्फोटक होता है, ठीक है। तो इसमें नोट लगा क्या लिखना है, यदि ईथरों को या ईथर को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए, खुले में मतलब वही ऑक्सीजन मिलेगी इसको, और भी ऐसे मिलेंगे लेकिन ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन करता है, लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए तो ईथर ऑक्सीकृत होकर हाइड्रो परोक्साइड का निर्माण करते हैं, किसका, हाइड्रो परोक्साइड का निर्माण करती है या निर्माण करता है, जो कि विस्फोटक होता है। क्या होता है, विस्फोटक होता है, ये आपको लिखना है। तो देखो कैसे करेगी, ईथर ये ले ले, जैसे हमने CH3, CH2O, CH2, CH3। अब इसको कह रहा है कि बहुत अधिक समय तक क्या छोड़ना है आपको, लंबे समय तक इसको आपको छोड़ना है किसमें, वायुमंडल में, ठीक है, खुली जगह में छोड़ना है लंबे समय तक। अगर आप इसको छोड़ोगे तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, अगर आप इसको लंबे समय तक छोड़ोगे तो हमने लंबे समय तक के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा ले ली, थोड़ी यहाँ एक ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ दो, तो कैसे बनेगी, देखो इस पर लोन पेयर तो आई CH3, CH2O, CH2, CH2। देखो यहां पर जो आपका CH3 है ना, यहाँ CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2 और एक H अलग लिख दिया, जैसे ये जो H है ना ऑक्सीजन पर लोन पेयर यहां भी होंगे, इन लोन पेयरों से ये वाला H रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, दोनों ऑक्सीजन यहां का जुड़ेंगे, O, O, और फिर ये वाला H, ठीक है, क्या होगा, एच तो रहेगा लेकिन बीच में क्या जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन, किसके कारण, लोन पेयर के कारण, ठीक है ना, लोन पेयर के कारण भाई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन चाहिए, प्लस की मात्रा चाहिए, तो यहां जुड़ेंगे OOH, तो क्या बना ये, हाइड्रो परोक्साइड बना, क्या बना, हाइड्रो परोक्साइड। जो नंबरिंग करेंगे तो इस पूरे को तो प्रतिस्थापी मान लो, क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी, 1, 2, 1 पर अब इसको क्या बोलेंगे, एथोक्सी, क्या बोलेंगे भाई, दो ही कार्बन का है तो एथोक्सी, एक कार्बन का होता तो मेथोक्सी, क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, 1 एथोक्सी, अब क्या है, 1 एथोक्सी और हाइड्रो परोक्साइड, या 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रो परोक्साइड, क्यों, क्योंकि अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथिल, 1 एथोक्सी एथिल, और OOH के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रो परोक्साइड। तो इसका नाम आपको क्या बोलना है, 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रो परोक्साइड, ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। तो ये आपको आपके क्या उनसे हो गए, परोक्साइड के निर्माण में दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, ये क्या होता है, विस्फोटक होता है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये क्या होता है, विस्फोटक, ठीक है ना। और आपका सिलेबस कितना कम कर दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, ये भी 2-3 दिन पहले ही डल चुका है, 10th चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसमें एक दो टॉपिक हट गए, जैसे हेलो फॉर्म रिएक्शन थी, आयोडो फॉर्म रिएक्शन थी ना, क्लोरोफॉर्म,
दो तीन चीजें हटी हैं वो बता देंगे। और इस वाले इस चैप्टर में जो अभी चल रहा है इसमें सिर्फ एल्कोहल में से औद्योगिक महत्व के एल्कोहल हटा है। क्या हटा है? औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, 6 का 1 नोट 5 का वाली ट्रिक, वो वाला टॉपिक हट गया है। औद्योगिक महत्व के एल्कोहल में मैंने आपको एथेनॉल और मेथेनॉल दो चीज पढ़ाई थी, वो पूरा टॉपिक हट गया है। बाकी ये इथर वगैरह सब कुछ आपके आएंगे, ठीक है? आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, पूरी पूरी कोशिश से खत्म करने की, हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा नॉर्मल बचा है, कुछ भी नहीं है, तो बता देंगे। और आपको 2 तारीख से स्कूल खुल रही है तब बताएंगे आपको ना। देखिए आप सेकंड आपको क्या डालना है, परोक्साइड का निर्माण हमने पढ़ लिया है, अब आपको आयरन डालनी है। परोक्साइड के अलावा फिर होता है ऑक्सीनियम आयन का निर्माण, इसी में भी आपको क्या डालना है, ऑक्सीनियम आयन का निर्माण, ऑक्सीनियम आयन का निर्माण, ठीक है? देखो ऑक्सीनियम आयन का निर्माण क्या होगा, इसमें आपको सीधी सी एक चीज याद रखनी है कि ईथर अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक मतलब जिसमें सी नहीं आ रहा हो, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल में सी नहीं आ रहा ना, कार्बन नहीं हो, वो अकार्बनिक होते हैं, BF3 है ना, बोरोन टेट्राफ्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें क्या है, कार्बन नहीं आ रहा, तो वो क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। ईथर अकार्बनिक अम्लों के साथ रिएक्शन करके या अभिक्रिया करके और क्या बनाएंगे, आपके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। तो लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तभी तो बनता है। अब अम्लों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ईथर जो है वो कैसा व्यवहार करेंगे, क्षार के जैसा। कैसा व्यवहार करेंगे? क्षार के जैसा। यही मेन चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि ईथर अकार्बनिक अम्लो, अकार्बनिक अम्लो, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो H2SO4, BF3, HCl आदि लिख सकते हैं ना, आदि के साथ लुईस क्षार, कैसा, लुईस क्षार के समान व्यवहार करते हैं, के समान व्यवहार करते हैं, वे इनके साथ अभिक्रिया करके, इनके साथ अभिक्रिया या रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिएक्शन करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल का रूप में हम सबसे पहले जैसे H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं इथर की, CH3CH2O CH2CH3 प्लस किससे, H2SO4 से। क्या होगा, H2SO4 किसमें टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस में। यहां पर किसमें टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस में, H प्लस और HSO4 माइनस में। अब देखो होगा क्या, आपका जो H प्लस है वो चूंकि लोन पेयर तो यही है, लोन पेयर के कारण रिएक्शन पड़ रहे हैं ना, तो H प्लस है ना वो तो लोन पेयर के कारण यहां पर अटैक करेगा, यहां जुड़ना चाहेगा H प्लस, किसके कारण, लोन पेयर के कारण। तो CH3CH2 ऑक्सीजन या फिर ये आपका ऐसे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, और क्या है, CH2CH3। अब लवण बनेगा तो HSO4 भी यही जुड़ेगा, कहां, HSO4, ठीक है। देखो H प्लस है ना, ये प्लस को आप यहां की जगह कहां भी लगा सकते हो, यहां पर भी, इस पर प्लस और इस पर माइनस लगा सकते हैं, HSO4 प्लस और H माइनस। तो इसका नाम क्या होगा, देखो डाइएथिल ईथर थी पहले आपकी, ये क्या है, डाइएथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, यहां क्या बनेगा, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हुआ, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। 9th चैप्टर में पढ़ा भी होगा वैसे नामकरण करना आपने,
और नहीं तो वो वापस करवाएंगे। अभी आपको लिखना है क्या, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एच यहाँ और एच एस ओ फोर माइनस यहाँ पर। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब सेकेंड रिएक्शन और बी एफ थ्री के साथ देखना चाहो तो देखो, सी एच थ्री सी एच टू ऑक्सीजन सी एच टू सी एच थ्री प्लस बी एफ थ्री। तो यहां पर आपके क्या है, बी एफ थ्री टूटेगा नहीं, बी एफ टू रैप में नहीं टूटेगा भाई। बी एफ थ्री में सारे एफ एफ है तो फ्लोरिन बी एफ टू रैप में नहीं टूटेगा। तो इसमें क्या करना है, बी एफ थ्री पूरा जुड़ेगा क्या, बी एफ थ्री। देखो बोरोन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, ये देखो बोरोन कितने नंबर पर, पांच, तो लोन पेयर कितने, तीन। तीनों ने क्या बनाया, एफ थ्री बंद, तो इस पर तो लोन पेयर नहीं है। लेकिन अपने पास ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर है, इस पर तो लोन पेयर नहीं है लेकिन ऑक्सीजन पर है ना, तो ऑक्सीजन वाले लोन पेयर इस बी एफ थ्री को अपने पास लेंगे। देखो क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री। नीचे वाले लोन पेयर क्या करेंगे, उपसहसंयोजन बंध बनाएंगे किसके साथ, बी एफ थ्री के साथ। चूंकि बी एफ थ्री पे हमने इसको प्लस माइनस में नहीं तोड़ा है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, यहाँ हमने प्लस माइनस में तोड़ा था इसलिए इस संकुल पर प्लस और यहाँ माइनस लगाया था, इसमें हमने प्लस माइनस में नहीं तोड़ा मत लगाओ चार्ज। उपसहसंयोजन बंध किन्होंने बनाया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने। क्या नाम होगा इसका, नाम बताएंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपका बोरोन ट्राइक्लोराइड ईथर, ठीक है। देखो इसका नाम क्या होगा, बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट ईथरेट। नामकरण आप नाम याद रख लेना या फिर 9 चैप्टर में फिर से पढ़ाएंगे, यहाँ नामकरण टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर फिर लेंथी हो जाएगा। क्या पढ़ोगे, बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट, ये इसका क्या हो गया नाम। तो आपके ईथर के रासायनिक गुण फिनिश है, बस इतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब ईथर की कुछ सामान्य अभिक्रियाएं हैं पांच चार, वो मैं यहाँ आपको मतलब उनका अभिकारक लिख रही हूँ, कैसे हुई रिएक्शन बता दूंगी और आपका चैप्टर क्या है कंप्लीट है, ठीक है ना। देखिए ईथर की कुछ अन्य रिएक्शन में ये चार पांच रिएक्शन है जो आपको डायरेक्ट ही मिलेंगी करने के लिए, हिंदी वगैरह नहीं लिखनी है। पहले क्या है कि ईथरों का यदि दहन करवाया जाए, दहन अगर ईथरों का होता है तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ईथरों के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ये ही आपके इंपॉर्टेंट है इनमें से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे, ये याद रख लोगे कि ईथर का दहन कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, जल के कितने अणु, तो कितने कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पर एथिल की जगह मैथिल लेते तो कार्बन काउंट करते हैं 2। जितना आपका एल्किल ग्रुप में कार्बन है उतने ही संख्या में तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अगर आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है तो आपको 4 CO2 तो बाहर निकालने हैं, क्या 4 CO2। तो देखिए 4 CO2 में कार्बन तो सारे काम में आ चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने काम में आ रही है, 4 × 2 = 8, 8 ऑक्सीजन काम में आ चुके। मैंने बताया था दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, क्या बनेगा जल, जल में भी तो ऑक्सीजन चाहिए है। 8 ऑक्सीजन यहाँ काम आ चुके, अब कितने ऑक्सीजन बचे, देखो 6 × 2 = 12 और 1 = 13, 13 ऑक्सीजन आपके पास थी, कितना 13, 13 में से हट गई, कितनी बची 5 ऑक्सीजन, मतलब की 5 आपके पास क्या बनेंगे, जल के अणु। याद रखने की ट्रिक है ये, ठीक है। वैसे तो आप उनको संतुलित करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा, क्या याद, कैसे याद रखोगे, जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो, 4 कार्बन है 4 CO2 बना दिए, ऑक्सीजन काउंट कर लो कितनी है, 4 × 2 = 8, टोटल कितनी है 6 × 2 = 12 और 13, 13 ऑक्सीजन टोटल है और 8 काम में आ चुकी, कितनी ऑक्सीजन बची 5, 5 H2 बाहर निकाल दो, रिएक्शन संतुलित। देख लो चाहे ऑक्सीजन संतुलित कर लिया हमने, कार्बन कर लिया, हाइड्रोजन ही बचाना ओनली, कितने हैं 5 × 10, 10 हाइड्रोजन है ना, गिन लो काउंट कर लो, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 3 =
दस ठीक है, हो गए संतुलित। क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ध्यान में याद रखना है, अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ उच्च दाब पर रिएक्शन कराएं, यदि डाइल्यूट अगर H2SO4 के साथ उच्च दाब पर करवा रहे हैं, उच्च दाब पर, तो फिर आपके पास में क्या बनेगी? एथीन। क्या बनेगी? एथीन। पहले बताया गया था कि एक निश्चित ताप पर करवा रहे हैं तो अल्कोहल, इससे ज्यादा बड़ा ताप लिया तो एथीन। तो क्या बनेगी? एथीन। कैसे बनेगी एथीन? देखो CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, यह H2O आपका किस में टूटेगा? H+OH- में, ठीक है ना। क्या करना है आपको इसमें, देखो सॉरी, ये आपका क्या है, उच्च दाब पर है ना, उच्च दाब पर तो अल्कोहल ही बनती है, अगर निम्न दाब होता तो एथिन बनती, इस पर तो क्या बनेगी? अल्कोहल। ये टूटेगा H+OH- में, तो CH3CH2, देखो CH3CH2, फिर यहाँ CH2CH3, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2C2H5, ऐसे भी लिख सकते हैं 2CH3CH2। देखो ये एक, ये दूसरा 2CH3CH2, इस पर क्या जुड़ेगा? OH। भाई OH माइनस है ना, ये तो इन पर जुड़ जाएगा, और ये जो O है वो किसके साथ बाहर जाएगा? इस H के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? या फिर बाहर मत निकालो, डायरेक्ट ही देखो, दो बार OH जुड़े, कितनी OH? दो OH। एक OH ये रही आपके पास में, और ये H इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके OH क्या करवा रहे हैं? देखो C2H5 दो बार, ये लो दो बार C2H5 या CH3CH2 ना, फिर OH और OH, दो OH है ना, दोनों OH। क्या बन गई आपकी? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। क्या बनी? एथेनॉल। डायरेक्ट लाइन लगनी है, डायरेक्ट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे उस दाब पर, एथेनॉल। अगर ड्राई ZnCl2 में कराए, यानी कि शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में RCOCl के साथ रिएक्शन कराएं, याद हो तो इसको एसिलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिलीकरण। RCOCl के साथ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसिलीकरण। तब क्या होगा अगर एसिलीकरण हम इसका कराएंगे? तो देखो यहां से कोई भी इधर से तोड़ दो चाहे इधर से, एक बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, ठीक है, क्या आएगा? माइनस और प्लस। यहां से भी क्या होगा? कोई एक बॉन्ड टूटेगा और क्या लगेंगे? माइनस और प्लस। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इधर से कार्बन और ये वाला या ये वाला? विद्युत ऋणता किसकी अधिक होती है? हेलोजन की। ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस। इस प्लस CH3CH2 पर तो ये Cl, CH3CH2Cl प्लस, इस प्लस के साथ तो इसने रिएक्शन कर ली, बचा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O। क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O, और इस तरह ऐसे बच रहा है ना, यहाँ पर भी तो ये O से बच रहा है, O C2H5 या CH2CH3। RCOOR एस्टर बन गया। क्या बन गया आपका? RCOOR एस्टर। ये क्या है आपका? एथिल क्लोराइड। क्या है? एथिल क्लोराइड। यानी कि ध्यान रखना है कि जब इथरों का एसिलीकरण कराएंगे ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में, एथिल क्लोराइड और एस्टर बनता है ना। इसमें हिंदी बुक में भी नहीं है ज्यादा, आपको भी नहीं लिखनी है, छोटा सा टॉपिक है, अथवा में आता है ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो। तो आगे क्या करना है? अगर द्रव NH3 के साथ अपचयन कराया जाए, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, तो अपचयन में क्या होगा? ये कितने हाइड्रोजन है आपके पास में? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, जोड़ दो। क्या करना है? एल्केन बनेगा उच्चतर। क्या बनेगा? उच्चतर एल्केन, ठीक है। देखो CH3 एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ दो, CH3CH3 प्लस, भाई एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जाएगा CH3CH3 प्लस में CH3CH2OH, CH3CH2OH एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल। याद आ रही है सीधी सीधी, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एल्केन बन गया, ये क्या बन गई? एल्कोहल। एल्केन और एल्कोहल दोनों बनेंगी यदि दो हाइड्रोजन दे रहे हैं, यदि द्रव NH3 के साथ अभिक्रिया है, अपचयन यहां भी हो रहा है,
यहाँ कितने हैं? चार हाइड्रोजन है। यहाँ आपके पास में लाल फॉस्फोरस और एचआई की उपस्थिति में हो रहा है। किसमें? लाल फॉस्फोरस और एचआई की उपस्थिति में कितने हाइड्रोजन रहेंगे? चार हाइड्रोजन। कितने हैं? चार हाइड्रोजन आपके पास यहाँ है। तब भी आपको बनेगा क्या? जब चार है तो दो बार CH3 CH3 बना दो। चार है तो क्या बनेगा? दो बार CH3 CH3। CH3 एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, है ना। अब कितने हाइड्रोजन बचे? दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर। तो ये आपको लर्न रखनी है, कैसे कैसे हुई, संतुलित करना है, बस। आपका चैप्टर क्या हो गया? फिनिश। आपको इसमें से एल्कोहल के और सॉरी औद्योगिक महत्व के एल्कोहल लर्न नहीं करना है, उसको हटा देना। बाकी सारा आपके सिलेबस में है, सिलेबस आपका दोबारा रिवाइज्ड आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।